खुद भी एग्जाम में बैठकर देखिए ना, कौन सा एग्जाम, उनको अच्छा बनाने का एग्जाम। माँ वो अजीम हस्ती है जो अपने बच्चों को हमेशा जीतता हुआ देखना चाहती है, हारना उसके दिमाग में होता नहीं है। और बाप वो अजीम हस्ती है जो अपने औलाद की जीत के लिए रोजाना हारता है, हर पल हारने के लिए तैयार होता है इस उम्मीद पे कि मैं उसको जिताऊंगा। ये आपका जज्बा वो जहन तक रसाई होने के लिए रैपो, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप ये पुल हैं। वो आपके दर्द को समझेगा, वो आपके सख्ती की भी कदर करेगा, क्योंकि आप सख्त हैं उसकी बुनियाद अलग है ये रिश्ते मजबूत करने के लिए। तो एक छोटा सा एग्जाम, पहला उसमें टॉपिक है फर्स्ट कल्चर, मजहब, दीनियात, तहजीब, विरासत, कौम की पहचान। अब इसका एग्जाम आप खुद दे रहे हैं समझ लीजिए, इसमें आप झूठ मूठ के पास होने की कोशिश मत कीजिए, इमीडिएट जॉब भी मत दीजिए, सिर्फ जहन में रखिए। पांच सिलेबस में पांच टॉपिक हैं जो आपके दीनियात से, आपके मजहब से, आपकी कौम से वाबस्ता रखते हैं। पहला है, क्या आपने अपने बच्चे को दीन की बुनियादी बातें बता दी हैं, नंबर वन क्वेश्चन। नंबर टू, खुसूसुल अंबिया, औलियाए कराम और हमारे बुजुर्गान दीन और बड़ी बड़ी शख्सियात कौम की जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुके हैं, वहां से सीरत से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये वाक्या सुनाते रहे। तीसरा टॉपिक है, चार साल की उम्र से लेकर आप बच्चों को नमाज की तरगीब, या सात साल की उम्र के बाद नमाज के लिए सख्ती करते हैं, 20 मार्क का जवाब देना है। नमाज की तलकिन से पहले क्या आप खुद भी नमाज की पाबंदी करते हैं? अपने बच्चों को दीनी किताबें पढ़ने देते हैं? अब तो किताबों का बड़ा मुश्किल मामला है, या कम से कम ऐसे वेब उनको मुतारिफ करवाइए, इंटरनेट थ्रो जो भी, बहुत एडवांस है अब तो, कि भाई ये फलां साइट पे नहीं जाना है, फलां साइट देखना है। वो कौन सी आप वेबसाइट रिकमेंड करते हैं, किए हैं 20 मार्क्स के?